जय हिंद साथियों, आज देसी टोपीदार गन को हम आपको चलाना सिखाएंगे, कैसे काम करती है ये, और इस पूरी प्रोसेस को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत आसान तरीके से आप इसको चला सकते हैं, तो तैयार हो जाइए दिल थाम के। आज होली के दिन हम धमाका करेंगे इस देसी टोपीदार गन से। तो सबसे पहले इसमें बारूद भरना है हमको। बारूद भरने के लिए हम इस सरिये को निकालेंगे। ये बारूद की डिब्बी है। बारूद आप अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार भर सकते हैं। ये एक अंगुली बारूद है। एक डिब्बी में और ले रहा हूँ छोटा ढक्कन। साथियों, काफ़ी दिनों बाद बंदूक चलाने का मौका मिला है मुझे। देसी टोपीदार गन, जिसका उपयोग पुराने समय में विशेषकर ट्राइबल समुदाय में फसलों की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग सेफ्टी के रूप में किया जाता था। बारूद डालने के बाद हम इसको इस रोड की सहायता से अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं, शिकार कि बारूद जम जाए अंदर। ये करने के बाद हम कागज़ की पैकिंग कर देते हैं ताकि बारूद बाहर ना आए। कागज़ की पैकिंग को मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। बहुत जल्दी आपको मज़ा आने वाला है। हर आम व्यक्ति भी इसको चला सकता है, लेकिन साथियों लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे पास इसका लाइसेंस है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, वरना आपको पुलिस पकड़ सकती है। हम बिना लाइसेंस के इस प्रकार के उपकरणों को चलाने से बचें। अब हमारा काम हो चुका है, ये तो हमने बारूद भर दिया है। अगले स्टेप में हम स्पार्क के लिए ये मेटल की एक टोपी आती है, इसका उपयोग हम करते हैं स्पार्क लगाने के लिए। टोपी है ये भी आपको उस दुकान पे मिल जाएगी जहाँ पे बारूद और बंदूक की सेलिंग होती है। ये लवेंग है, लीवर बोलते हैं जिसको। ये एक कड़ी मैंने चढ़ा दी है, इसके ऊपर मैं ये मेटल की टोपी को लगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में एक कड़ी और चढ़ाऊंगा मैं। यस, अब हमारी बंदूक चलने के लिए तैयार है। थोड़ा सा इसका मुंह इस तरफ रखना पड़ेगा, वरना फिर निशाना कहीं और लग सकता है। तैयार है, बस लीवर दबाना है मुझे, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। द गुरु चल हो जा शुरू। मज़ा आया, एक बार और शूट।